Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. How are you, my family? Finally, I'm back with a video. अगर मैं आज की वीडियो की बात करूं तो आज की वीडियो काफी स्पेशल और काफी यूनिक होने वाली है, क्योंकि मॉडिफाइड बाइक्स तो मैं आपको दिखाता रहता हूं, बट आज मैं आपको कुछ टायर सजेस्ट करने वाला हूं जिससे कि आपकी बाइक को सेफ्टी एज वेल एज आपकी बाइक का जो माइलेज है वो काफी बढ़िया निकल के आएगा। बेसिकली आज हम इस वीडियो में मिशलिन ब्रांड के टायर की बात करेंगे। जैसे कि हम लोगों को पता है कि भाई मिशलिन ने पिछले 200 सालों में कस्टमर्स का बहुत अच्छा ट्रस्ट मेंटेन कर रखा है। एज वेल एज वी ऑलरेडी नो दैट मिशलिन होल्ड्स अ प्लेस इन टॉप इंटरनेशनल टायर सप्लायर्स इन टर्म्स ऑफ सेल्स। तो आज मैं आया हूँ रेशम टायर्स पर, जो कि है नोएडा में, जो कि मिशलिन टायर्स की एक ब्रांच होल्ड करते हैं। आज इस वीडियो में हमें मिशलिन टायर्स के बारे में काफी सारी डिटेल्स मिलेंगी, तो एक काम करते हैं यार, यहाँ के मैनेजर से बात करते हैं, वही हमें समझा पाएंगे कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन कौन सी ग्रिप्स हैं, कौन कौन सी बाइक्स हैं जहाँ पे आपको मिशलिन टायर्स बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी वारंटीज और एक और चीज़ सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। तो करते हैं यहाँ के मैनेजर से बात, आज काफ़ी सारी डिटेल्स मिलेंगी, तो स्टे ट्यून्ड। तो सर कैसे हैं आप? धन्यवाद सर। एक चीज बताइए, आज हम लोग रेशम टायर्स पे हैं जी, और आज हम लोग मिशलिन के बारे में बात करना चाहेंगे, क्योंकि काफी लोग चाहते हैं ये जानना कि मिशलिन क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, सेफ्टी मेजर्स को लेके वो कितनी सारी चीजों पे खरा उतरा है, जैसे कि कस्टमर्स को वो बहुत ज्यादा सेफ्टी प्रोडक्ट्स, सेफ्टी चीजें अप्लाई करता है। तो सर एक चीज बताइए, मिशलिन के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें पब्लिक को। एज ए सेफ्टी, जैसे आपने वर्ड यूज करा सेफ्टी, सेफ्टी में हम देखते हैं अगर किसी के वर्ड के नंबर टू और नंबर वन मिशलिन के टायर से कंपैरिजन करते हैं, तो जब हम ब्रेकिंग अप्लाई करते हैं तो 3.5 मीटर ये पहले एप्लीकेशन रोक के देता है किसी दूसरे टायर के कंपैरिजन में। ओके, तो ये वर्ल्ड का सेफियस्ट टायर है और फ्यूल एफिशिएंट, अलग अलग फीचर्स हैं, साथ में ये रोलिंग रेजिस्टेंस का कम होने के कारण टायर की इकोनॉमिक अच्छा रहता है। ठीक है, और अगर हम लंबे टूर की बात करें कि बाइक्स हम लोग लद्दाख लेके जाते हैं, ऑफ रोडिंग करते हैं, स्लिपरी रोड पे चलाते हैं, तो इसकी ग्रिपिंग के ऊपर अगर बात करें, अलग अलग तरीके की ग्रिपिंग मैंने सुना है कि मिशलिन प्रोवाइड करता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ देखो, बाइक में हम चलते हैं, टू व्हीलर्स होते हैं, हमें उसको क्या चाहिए, अगर टर्निंग रेशियो पे हमारा एंटी स्किड रहे, ठीक है, तो ये पहला टायर है जो एंटी स्किड टायर है और इसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी है, आगे से स्टेबिलिटी और पीछे से दोनों तरफ से रोड का ग्रिप को अच्छा करके चलता है। और एक और क्वेश्चन जो मेरे यहाँ नहीं पब्लिक का भी आता होगा कि आज तक सिर्फ हमने देखा है कि सुपर बाइक्स में लोग लगवाते हैं मिशलिन का टायर्स, क्योंकि मिशलिन एक बहुत रिनोन ब्रांड है, बट अगर हम बुलेट को मॉडिफाई कराते हैं, सिर्फ बुलेट चलाते हैं, प्लैटिना चलाते हैं, तो इन सब के टायर्स भी मिशलिन प्रोवाइड करता है। जी हाँ, मिशलिन टायर आप स्कूटी से रोजाना की ड्राइव में आप यूज़ कर सकते हैं, स्कूटी से लेके बुलेट और हाई परफॉर्मेंस कार से लेके ट्रक तक टायर इसमें अवेलेबल है। ओके, और अगर हम वारंटी की बात करें तो वारंटी का क्या चलता है? वारंटी में जैसे अब मिशलिन का बात करते हैं, मिशलिन के टायर में 5 ईयर्स की वारंटी है, और अगर हम इसमें टू व्हीलर में लेते हैं तो 3 ईयर्स का अनकंडीशनल वारंटी मिलती है, जो किसी भी टायर से कारण से टायर कटफट जाता है तो प्रोडाटा बेस पे आप चेंज करा सकते हैं किसी मिशलिन ब्रांड स्टोर पे जाके। ओके, और सर मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी, यहाँ पे काफ़ी सारी मशीन्स हैं, यहाँ पे गाड़ी भी खड़ी हुई है, तो आप मशीनों के बारे में थोड़ा बताना चाहो कि अगर कोई आता है तो उसको कितना टाइम लगेगा एक टायर चेंज कराने में? जी 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 हाँ, ये देखो किसी ब्रांड स्टोर पे जाते हैं, मिशलिन अपने आप में बहुत अच्छा ब्रांड है, लेकिन इसकी फिटिंग बहुत ज़रूरी होती है, तो आपको किसी को ब्रांड को सेलेक्ट करने से पहले उसकी फिटमेंट को ज़रूर चेक करें। रीज़न आप अगर आपका 1 मिलीमीटर अलाइनमेंट आउट हो जाता है तो डायरेक्टली 7% वेयर ऑफ टायर होता है। सही बात है। तो आपका एक अच्छा सा टायर, आपने देखा होगा कि कभी कभी एक टायर से साइड से हमारा टायर खत्म हो जाता है, दूसरा टायर हमारा सही बना रहता सही है। बात है, तो वो मिस अलाइनमेंट के कारण होता है, तो हमारे पास वर्ल्ड की अच्छी मशीन्स लगी हुई हैं जो आपको कुछ ही मिनट या कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपको आइडेंटिफाई करके देती हैं कि आपको अलाइनमेंट की ज़रूरत है भी कि नहीं है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उनकी कोई चार्ज नहीं होती। ओके, तो यार यहाँ पे 3-4 मशीनें मेरे को लग रही हैं, तो सर एक बार आप बताना चाहो कि सामने वो क्या चल रहा है, वहाँ पे टायर रखा हुआ है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले आप टायर का ओपनिंग फिटिंग होता है, ठीक है, तो यहाँ पे नॉन मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट नहीं होता है यहाँ पे, जिससे कि आपका अलॉय भी होता है तो सेफ रहता है। तो सर वो तो था अपना फर्स्ट स्टेप, अब अगर हम सेकंड मशीन की बात करें, सेकंड स्टेप की बात करें, तो पहले हम ओपनिंग फिटिंग के बाद हम यहाँ पे लाते हैं बैलेंसिंग करना। कोई भी नया टायर है इसमें एक जॉइंट लगा होता है, कोई भी नए टायर को बिना बैलेंस के हम गाड़ी में फिट नहीं कर सकते, ठीक है, तो नए टायर में भी हम यहाँ पे बैलेंस कर देंगे, जिससे कि ये टायर जब भी रोड पर टच करेगा तो आप स्टीयरिंग को स्ट्रेट चलाएगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है, काफ़ी जगह मैंने टायर लगवाया है, मतलब फादर ने भी लगवाया है, बहुत से लोग भी लगवाते हैं, वहाँ पे अलाइनमेंट मशीन नहीं चलती कि भैया लगा देंगे, नया टायर है चल जाएगा, तो ऐसा भी होता है कि अगर आप बिना अलाइनमेंट करा के लगाओ तो मतलब उसमें दिक्कत आ जाती है? बिल्कुल नहीं, आपको बिना अलाइनमेंट करके गाड़ी
गाड़ी चला नहीं सकते अगर अलाइनमेंट के बिना अगर गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी की स्टीयरिंग सीधा नहीं रहेगा और आपके टायर को गाड़ी खर्च करती रहेगी और आपका टायर नया टायर खराब हो सकता है, मतलब टायर कट भी सकता है एक तरह से, अलाइनमेंट खराब हो जाएगी तो एक तरह से टायर घिस जाएगा और एक तरह से टायर नया रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल ओके, ये भी किसी भी तरह की समस्या आ सकती है आपको। ठीक है, और अगर हम थर्ड मशीन की बात करें तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी है तो इसका क्या रोल है, ये ऊपर आती होगी? जी हाँ, अगर हम एग्जाम्पल लें, अभी हमने एक गाड़ी लगाई हुई है, अभी आप देख रहे हैं, अभी लिफ्ट पे गाड़ी ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद देखो इसमें अब हेड लगाया जा रहा है। ठीक है, हेड लगने के बाद अब इस गाड़ी को हम आगे रोल करेंगे, रोल करने के बाद ये कैमरे इसको अपने कैप्चर कर लेते हैं, कैप्चर होने के बाद अब हम इसको डेटा फीड करेंगे। डेटा फीड करने के बाद आप देख रहे हो एक रिपोर्ट प्रिंट निकल के आ रही है, ये रिपोर्ट आपको दिखा रही है, इसके चारों डायरेक्शन इस गाड़ी के ओके हैं, चारों टायर ओके हैं। ओके, बस ये 2 मिनट का प्रोसेस है, कोई भी आके अपना अलाइनमेंट चेक करा सकता है। मतलब जैसे और स्टोरों पे होता है कि भाई 1 घंटा आधा घंटा लगा देते हैं कि सर अभी गाड़ी लगी हुई है, ये हो रहा है, वो ऐसा कुछ नहीं है। आज के समय में मोस्ट एडवांस मशीन्स हैं, ये एडवांस हमारे पास जो वर्ल्ड का प्रीमियम मशीन्स हैं वो इंस्टॉल्ड हैं, जो आपके समय को बहुत बचाती हैं और आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा रखती हैं, बहुत बढ़ाती हैं। आजकल तो वैसे भी टाइम इज़ मनी। जी हाँ, और टाइम इज़ मनी, और मनी भी सेफ्टी है। अगर इसी गाड़ी को अगर ऑडी BMW में अगर कराते हैं जाके तो वहाँ पर एक आपको 6,000 के करीब चार्ज देना पड़ता है। okay. और जबकि ये ओपन मार्केट में जो हमारी तरह के जो टायर शॉप्स होते हैं इन मार्केट्स में ये टायर की भी प्राइस बहुत ही मामूली प्राइस होती है जिसपे गाड़ी आपका अलाइनमेंट हो जाती है। ठीक है सर, तो मिशलिन की बात हो गई, रेशम टायर्स की बात हो गई, यहाँ की मशीनों की बात हो गई, अब जो मेन कंटेंट है वो ये है कि भाई अपना बुलेट के टायर्स या फिर अपने बाइक के टायर, तो यहाँ पे मैं 4 तरीके के टायर देख रहा हूँ, आप इनके बारे में कुछ सजेस्ट करना चाहो, बताना चाहो। ये मिशलिन के 4 अलग अलग पैटर्न आप देख पा रहे हैं, ये सुपर बाइक के लिए पैटर्न है। ओके, ये बुलेट के पीछे का टायर है। ये टायर क्या है आपको, आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं इनके ग्रुप्स बने हैं, ये ग्रुप्स आपको बहुत ही अच्छी ग्रिप देते हैं और आपको जब टर्न करते हैं 45 डिग्री तक भी आपकी गाड़ी को पलटने नहीं, स्किड नहीं होने देते। ठीक है, तो मैं पहली बार देख रहा हूँ यार यहाँ पे बुलेट का टायर, आप देख सकते हो, और इसकी ग्रिपिंग देखो, जिसको ऑफ रोडिंग करनी है, बुलेट लद्दाख लेके जानी है, तो मिशलिन से अच्छा आपको क्या ही ब्रांड मिलेगा। अगर हम यहाँ पे ग्रिपिंग की बात करें तो R15 हो गई या फिर आपका ZX-NR हो गई, जो भी सुपर बाइक्स होती है उनके लिए अलग अलग तरीके के अलग अलग पैटर्न के हिसाब से। तो अगर हम प्राइसिंग की बात करें थोड़ा सा आप प्राइसिंग के बारे में बता दीजिए। प्राइसिंग इसका 7,000 रुपीज से स्टार्ट होकर 15,000 तक आप वेरी करता है, और साइजेस में जैसा साइज होगा साइज, जी हाँ, जिससे साइजेस बढ़ेगा वैसे प्राइसेस बढ़ेगा। और सर एक और चीज़, जो वारंटी की हम बात कर रहे हैं कटने फटने की, वो सारे टायर्स में होती है? जी हाँ जी, जो वारंटी है 5 ईयर्स का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और 3 ईयर्स का अनकंडीशनल वारंटी मोस्ट ऑफ द टायर्स पे अवेलेबल है मिशलिन। और यार मैं आपको एक और चीज़ सजेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप लोग ऑनलाइन टायर परचेज करते हैं तो आपको ये सब अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी, मतलब मशीनें नहीं मिलेंगी, और आप कहीं से बाहर से भी कराओगे तो यार ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि ऐसी व्हील बैलेंसिंग, ऐसी पूरी कंप्यूटराइज सारी मशीन्स, तो अगर आपको टायर लगवाना है तो आप परचेज कर लो या फिर यहीं से परचेज कर लो और यहीं से लगवा लो, क्योंकि ट्रेन स्टाफ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सर एक चीज़ मैंने देखी है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो, चाहे वो 12 टायर का ट्रक हो, अगर टायर अच्छे नहीं होंगे, टायर की फिटिंग अच्छी नहीं होगी तो जान को खतरा है। बिल्कुल, देखो हमारा मिशलिन अपने आप में एक बहुत अच्छा ब्रांड है और ये बहुत कीमती ब्रांड भी है। अगर इसको फिटमेंट ठीक नहीं होगी तो आपका टायर का आउटपुट अच्छा नहीं दे पाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो यार ये थी अपनी मिशलिन ब्रांड की बात, टायर्स की बात। एक काम करते हैं यार, वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। आई होप आपको जो भी नॉलेज लेनी थी वो आपको मिल गई होगी, जो भी आपके क्वेश्चन थे वो मेरे क्वेश्चन थे, वही मैंने सर से पूछे और सर ने बहुत अच्छे से डिपेक्ट किया, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। तो एक काम करते हैं, वीडियो करते हैं यहीं पे रैप अप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मिशलिन टायर्स के ये ब्रांड्स अच्छे लगे हो, तो यार वीडियो कर देना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना है। क्यों? क्योंकि ऐसी बेहतरीन वीडियोज़ आती रहेंगी।